Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I hope you will be doing good at home and you will be following your studies. As you know that we have done the components of the biotic factors. Now we are going to see the components of abiotic factors. ठीक है, हमने पहले जो है लिविंग के देख लिए थे, अब हम जो है नॉन लिविंग देखेंगे, उनके कौन कौन से फैक्टर्स है. एबियोटिक कॉम्पोनेंट्स आर द नॉन लिविंग फीचर्स ऑफ द इन्वायरमेंट. ठीक है, नॉन लिविंग होते हैं. दीज इंक्लूड वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड ऑक्सीजन. ठीक है, अब उस सारे में पढ़ेंगे. वाटर, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबियोटिक फैक्टर, क्योंकि वाटर के बगैर क्या होता है, लिविंग बींग जो है वो रह नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रेटेड वाटर के थ्रू ही हम लोग होते हैं. प्लांट्स जो हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. ठीक है, ह्यूमन्स को ज़रूरत है टू गेट हाइड्रेटेड. ठीक है, अगर हम पानी यूज़ नहीं करते तो वो क्या है कि हम प्रॉपरली, जाहिर है, हम डाई हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन भी पानी के अंदर मौजूद होता है, और पानी के बगैर जो है कोई ह्यूमन या प्लांट हो या एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो सर्वाइव प्रॉपरली नहीं कर सकते. नाउ सनलाइट, सनलाइट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, सनलाइट से क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो खाना अपना बनाते हैं. ठीक है, जो कि प्रोसेस आपको पता है फोटोसिंथेसिस का, और फिर प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं, तो वो जाहिर है फिर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट को खाते हैं. ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो बहुत पावरफुल इफेक्ट रखता है, क्योंकि प्लांट्स की रेस्पायरेशन रेट हाई और लो इसी के थ्रू होता है. अगर लो टेम्परेचर होता है, इट इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर बट बियॉन्ड द ऑप्टिमम लिमिट. हाई टेम्परेचर डिक्रीजेज द रेस्पायरेशन रेट. ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेस्पायरेशन का सिस्टम भी जो है वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है. तो इसीलिए टेम्परेचर जो है उसका कम होना और ज़्यादा होना जो है वो काफ़ी डिपेंड करता है. अब ब्रीडिंग पैटर्न्स भी मौजूद हैं, तो टेम्परेचर पे सब कुछ डिपेंड करता है. ठीक है, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतने जाहिर है आपको सफ़र करने में प्रॉब्लम होगी, या जितना लो होगा उसमें भी सफ़र करने में इश्यू होगा. तो नॉर्मल टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो नॉर्मली अपनी ब्रीडिंग कैजुअली चल सके. ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट्स द ग्रोथ रेट, वो साइज को, कलर को, इन सबको इफेक्ट करता है एनिमल और प्लांट दोनों के. ठीक है, उनका टेम्परेचर जो है वो इन्फ्लुएंस द बिहेवियर पैटर्न्स, ठीक है, ऑफ द एनिमल्स, बिहेवियर के भी उन पे इफेक्ट करता है. नाउ सॉइल, द सॉइल इज फंडामेंटल टू लैंड बेसिस. ठीक है, सॉइल आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है प्लांट को ग्रो करने के लिए भी, बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए. डीकम्पोजर्स जो हैं वो उसी में रहते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई जो है, ये ज़्यादातर बैक्टीरिया आपको पता है बाहर भी पाया जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इसके अंदर रहते हैं उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है. सॉइल में जो है वो ज़्यादातर कंटेन ह्यूमस होता है, जो कि सपोर्ट करता है प्लांट और एनिमल की लाइफ को. सॉइल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सॉइल जो है एक जगह अलग होती है, दूसरी जगह अलग होती है, कि काफ़ी इफेक्ट रखती है, डिफरेंट होती है. एनिमल्स की ज़िंदगी के लिए भी बहुत ही डिफरेंस रखती है, क्योंकि जाहिर है कि प्लांट्स जो डाई होते हैं वो भी इसी में जाते हैं, एनिमल्स जो डाई होते हैं वो भी इसी में जाते हैं, ह्यूमंस जो हम लोग हैं हम भी मरते हैं, तो हम लोग भी जाहिर है इसी में ही जाते हैं. तो सॉइल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. ठीक है, ये जो है इनऑर्गेनिक मिनरल्स विच आर द प्लांट ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी होते हैं, सच एज आयरन, जिंक, कैल्शियम, फॉस्फोरस, वो भी उसमें पाया जाता है. प्लांट्स और उसके रूट्स जो हैं वो सारे सॉइल पे ही डिपेंड करते हैं. ठीक है, नाउ ऑक्सीजन. ठीक है, लास्ट वन है इसमें. ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ, आपको पता है कि हर इंसान को सांस की ज़रूरत होती है, हर जो लिविंग थिंग है उसको सांस की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट. प्लांट, कोई भी ह्यूमन, कोई भी जो लिविंग थिंग है वो सर्वाइव नहीं कर सकता इसके बगैर. ठीक है, नाउ पेज नंबर 34. हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट, आपस में ये इंटरेक्शन कर कैसे करते हैं. ठीक है, नो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट अलोन. ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अकेला नहीं रह सकता, ये दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं इन द मैनर ऑफ थिंग्स, काफ़ी चीज़ों में. टू और मोर ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर हैव इंटरेक्शन. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा रहते हैं वो जाहिर है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ज़रूर होते हैं. यू इंटरेक्ट ऑल द टाइम विद योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स. ठीक है, जैसे आप ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, जाहिर है इंटरेक्शन इनकी चलती रहती है. ठीक है, अब क्या है, कंपीट करने के लिए या बेनिफिट के लिए. ठीक है, नाउ प्रीडेशन.
अदर ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस पे होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा के गुजारा करते हैं, विच आर कार्निवोर्स, जैसे ही आपको पहले बताया है। दीज ऑर्गेनिजम्स हंट कैच एंड किल, ठीक है, हंट करते हैं, कैच करते हैं और उनको फिर किल कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स कहलाते हैं। और द ऑर्गेनिजम्स दैट आर बीइंग हंटेड, जो हंट हो जाते हैं उनको प्रे कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह इंटरेक्शन बिटवीन द बोथ ऑर्गेनिजम्स चलता है, प्रीडेशन इस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स व्हेन वन ऑर्गेनिज्म किल अनदर, ठीक है, इसको प्रीडेशन कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्बायोसिस। अनदर कैटेगरी ऑफ इंटरेक्शन इज सिम्बायोसिस, ठीक है। क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट बेनिफिट्स, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाना या और समथिंग बोथ, ठीक है। समटाइम्स जो है दोनों का हो जाता है। इसमें थ्री टाइप्स है, म्यूचुअलिज्म है, कॉमेंसलिज्म है और पैरासाइटिज्म है, ठीक है। नंबर वन है म्यूचुअलिज्म, ठीक है। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल बाय द ह्यूमंस टू प्रिपेयर देयर फूड व्हाइल रिलीजिंग ऑक्सीजन विच ह्यूमंस ब्रीथ टू स्टे अलाइव, ठीक है। प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है जो कि ह्यूमन बाहर निकालते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ताकि हम सांस ले सके। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे को फायदा पहुंचाना, इस को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है कमेंसलिज्म। दिस टाइप ऑफ सिम्बायोसिस जो है वो क्या कहते हैं, बेनिफिट या द अदर वन इज नीदर हेल्प, या तो हेल्प भी नहीं होती या तो उसको हार्म भी नहीं किया जाता, इसको कमेंसलिज्म कहा जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, इनका रिलेशन बताते हैं ब्रैनकियल एंड अवेल के बारे में बता रहे हैं कि ब्रैनकियल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वेल्स की मदद से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैरासाइटिज्म, ठीक है। पैरासाइटिज्म वो होते हैं, इसमें क्या इंटरेक्शन होता है, जो है पैरासाइट एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, उससे फीड होते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे जो है वो फायदा उठाता है। पैरासाइट नॉट ओनली लिव्स ऑन इन और ऑन द होस्ट बट वो फीड भी होता है, ठीक है। फ्लीज दैट लिव ऑन द डॉग्स और कैट्स जो है वो है लाइस हो गई हमारे पास, ठीक है। ये थ्री टाइप्स थे। नाउ लास्ट इज कंपटीशन, जो इनमें कंपटीशन इसके अंदर होता है। कंपटीशन इज द इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कम्पीट करते हैं ताकि एक ही चीज़ के लिए, फूड, शेल्टर, सनलाइट या मेट के लिए, ठीक है, किसी चीज़ के लिए इंटरेक्ट करते हैं। ये इंटर स्पीशीज होते हैं या फिर इंटर स्पीशीज होते हैं, या तो एक साथ ही कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, या फिर एक ही चीज़ अलग सेम टाइप के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। कंपटीशन आपको पता है, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ह्यूमंस की, जो कि आप क्लास में करते हैं, ठीक है, फर्स्ट आने की कोशिश करते हैं, तो वही कंपटीशन के बारे में बात हो गई। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।